हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि नेचर हमेशा एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन आज ऐसी मूवी लेके आई हूँ जिसके डायरेक्टर लार्स वॉन ट्रियर एक अलग कंसेप्ट लेके आते हैं इन चीजों का, एंटी क्राइस्ट। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी के जो भी मेन कैरेक्टर, उनके लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, उस सीक्वेंस से अगर इस मूवी को समझना चाहेंगे तो वो काफी कंफ्यूजिंग होगा। ये मूवी समझने के लिए इस मूवी की थीम जाननी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे समझ के तो बाहर हैं। इस मूवी को IMDb पे 6.6 रेटिंग है, क्योंकि मूवी की कहानी थोड़ी अलग है, उसका डायरेक्शन काफी अच्छा है, और तो और सिनेमेटोग्राफी भी काफी ऑसम है। मूवी में विलियम डेफो और शार्लेट गैंसनबर्ग ये लीड रोल में है। दोस्तों, ये मूवी मोर ऑफ अ डिप्रेशन एंड एंजाइटी पे बेसिस है, जिसके कारण मेरे अभी तक के मूवी हिस्ट्री की ये सबसे डार्क फिल्म है। मैं आप लोगों को ये मूवी देखना रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि इस मूवी में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसे देखने के बाद काफी घिलौना फील होगा, और आप पछताएंगे कि आखिरकार मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जो आज ये मूवी देखी है। सच मानिए, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस मूवी के लिए इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है तो मैं एक सिंपल भाषा में बताऊंगी कि ये मूवी है क्या। मूवी के नरेटर के थ्रू हम ही और शी यानी मूवी के दोनों मेन कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, जो पति पत्नी है, जिनका एक डेढ़ साल का छोटा बच्चा था, और अचानक से एक दिन खिड़की से कूदने के कारण उस छोटे बच्चे की मौत होती है, जब ये दोनों पति पत्नी का फिजिकल रिलेशन चल रहा था। अब बच्चा गुजर जाने के बाद इन दोनों को बहुत ही दुख पहुंचता है, लेकिन शी यानी बेटी की माँ को काफी गहरा सदमा पहुंचता है, और वो खुद को बच्चे के मौत का कारण समझती है और धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। विलियम डेफो का जो कैरेक्टर है वो अपनी पत्नी को काफी समझाता है, उसके साथ इमोशन शेयर करता है, लेकिन ज्यादा असर नहीं होता। अब वो खुद एक थेरेपिस्ट था जो लोगों के डिप्रेशन पे काम करता था। रियल डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद वो अपने पत्नी को खुद ही ट्रीट करने लग जाता है और उसके सेशन लेता है। एक दिन ऐसी थेरेपी करते वक्त उसे पता चलता है कि अपने पत्नी का सबसे बड़ा डर वुड्स है, जंगल। वो उसी में उसे लेके जाता है ताकि वो अपने डर का सामना करे। वही जंगल के बीच में एक केबिन थी ईडन नाम की, वहाँ पे ये दोनों रहते हैं, और हर रोज इन दोनों की जो थेरेपी थी वो चल रही थी। लेकिन यहाँ पे लड़की का डिप्रेशन और एंजाइटी रुकती नहीं है। थेरेपी के वक्त में इस लड़की को और भी डर महसूस होता है, काफी डर जाती है, तो वो धीरे धीरे ठीक होने का नाटक करती है, लेकिन वो झूठ था। इसके थेरेपी का असर उसके ऊपर उल्टा पड़ता है और वो और भी बीमार पड़ने लगती है। उसकी बीमारी जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे ही वो काफी डरती थी, और जब भी उसे डर महसूस होता तब वो इस थेरेपी से बाहर भागने के लिए अपने पति के साथ फिजिकल रिलेशन का सहारा लेती थी। ऐसे ही एक दिन एक बड़े से पेड़ के नीचे जब ये दोनों टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब वहाँ पे हम कई सारे औरतों के हाथ देखते हैं बाहर आते हुए। यही सब जब इनकी थेरेपी चल रही थी, तब इसी दौरान इन दोनों को जंगल में अजीब अजीब जानवरों से इनका सामना होता है। जैसे जैसे इस लड़के की बीमारी बढ़ती जाती है, वो और भी विकृत होने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने पति पे ही हमला करती है। उसके प्राइवेट पार्ट्स को चोट पहुंचाती है, जिससे वो बेहोश पड़ जाता है। उसके एक पैर पे ड्रिलिंग मशीन से होल करती है एंड एक बड़ा सा पत्थर लगा के उसे लॉक करती है। जब वो बेचारा उठता है तब दर्द के मारे उसकी जान जा रही थी। वो पत्थर निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं होता। वो औरत से भीख मांगता है कि प्लीज वो पत्थर निकाले, लेकिन यहाँ पे फिर औरत खुद भी खुद के प्राइवेट पार्ट्स को चोट पहुंचाती है। काफी दिक्कतों के बाद आदमी छूट जाता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि अभी काफी देर हो गई है। उसकी पत्नी वो अभी ऐसे स्टेज पे पहुंच गई है जहां से वो वापस नहीं आएगी, और अभी ये किसी के लिए भी खतरा बनेगी। इसीलिए वो उसका गला दबाता है, और गुजरने के बाद उसके शरीर को वो जलाता है। तभी अचानक से वहां पे कई सारे फेसलेस औरतें आती हैं, और दोस्तों मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, इन शॉर्ट यही मूवी की कहानी थी। अब इसका मतलब समझते हैं। डायरेक्टर लार्स वॉन ट्रियर की मूवी क्रिएट करने का स्टाइल काफी अलग होता है। इनकी फिल्मों में ये जानबूझ के फिलोसॉफी के टेक्निक डालते हैं, और मूवी की हर छोटी चीज या उसके शॉट्स की सिनेमेटोग्राफी अमेजिंग रहती है। एंटी क्राइस्ट एक प्राचीन शब्द है, और डायरेक्टर जानबूझ के अपने फिल्मों को ऐसे प्राचीन शब्द का टाइटल देते हैं, जैसे कि इन्हीं के 2011 में रिलीज हुई मेलनकोलिया नाम की जो मूवी थी, ये भी एक प्राचीन शब्द था और इसका मीनिंग डिप्रेशन है। एंटी क्राइस्ट की जो थीम और आइडिया है, इसमें कई सारे फैक्टर्स है, जैसे कि जेंडर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। स्टार्टिंग में जब औरत डिप्रेस थी, तभी बाकी डॉक्टर्स ने उसके पति को काफी बार कहा था कि तुम इसे ट्रीट मत करना, और जब भी कोई भी साइकाइट्रिस्ट के डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट करता है तब इनके बीच में इमोशंस आते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता और अपने पत्नी का इलाज अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग चालू रखता है। ट्रीटमेंट के दौरान वो उसे पूछता है कि तुम्हें डर किस चीज का लगता है, और फिर वो उसके डर का एक पिरामिड बनाने लगता है। उसे वो सजेस्ट करता है कि तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए और इसी से तुम ठीक होगी। अब उसका डर रहता है ईडन नाम का जंगल। अब उसके डर को सही
करने के लिए वो अपने पत्नी को उसी जंगल में लेके जाता है। इसी जंगल में पिछले साल औरत अपने छोटे बेटे निक को लेके यहाँ पे आई थी किसी काम के सिलसिले में, जहाँ पे वो एक टॉपिक के ऊपर कुछ थ्योरी लिख रही थी, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर दोस्तों ईडन नाम के इस जंगल में आते हैं। दोस्तों यहाँ पे जंगल का नाम है ईडन। यहाँ पे जूडिसिज्म और क्रिस्टियनिटी का रेफरेंस हमें दिया गया है। दोस्तों इन धर्मों के ग्रंथों के अनुसार ईडन गार्डन, इसे गॉड का गार्डन कहा जाता है, और हिब्रू बाइबल के अनुसार यही पे ईव और एडम की जो कहानी थी वो शुरू हुई थी। जहाँ पे लोगों का मानना है कि ईडन गार्डन में नेचर और ह्यूमन काइंड की एक पॉजिटिव कहानी शुरू हुई है, प्योरिटी और गॉड की पॉजिटिव एनर्जी ही थी। लेकिन इस मूवी के कहानी में इसका मतलब पूरा उल्टा दिया गया है। ईडन कोई पॉजिटिव एनर्जी की जगह नहीं है, यहाँ पे ईडन जंगल यानी नेचर को खुद एक इविल बनाया गया है, सैटन्स चर्च। औरत के अनुसार ये ईडन जंगल जो है वो शैतान का चर्च है। हमें आगे बताया जाता है कि अगर हर कोई चीज नेचर से बिलोंग करती है तो यहाँ पे ईडन जंगल में हर कोई चीज यहाँ पे इविल होगी। स्वाभाविक तरीके से नेचर में पालन पोषण करने का कोई भी गुण यहाँ पे नहीं है। जैसे मूवी के स्टार्ट में हम फ्लावर्स के ग्लास को जूम आउट करते हुए देखते हैं, यहाँ पे यही बात बताई गई है कि फ्लावर्स जो है वो नेचर का ही एक पार्ट है, वो नेचुरली खिलते हैं, लेकिन जब उन्हें काट दिया जाता है तब हम ही उनके मौत का कारण बनते हैं। मूवी में कई बार नक्षत्रों को प्राचीन काल के अनुसार नाम दिया गया था, और ऐसे ही प्राचीन कहानियों के अनुसार गॉड को अक्सर निर्दयी और अहिंसक कहते थे। जैसे कि ग्रीक मैथोलॉजी में इंसानों को सबक सिखाने के लिए गॉड बहुत ही कड़ी सजा इंसानों को सुनाते थे। यानी इस मूवी के अनुसार गॉड को प्रतिशोध और क्रोध की भावनाएं भी थी। कहानी और पोएट्री में नेचर को हमेशा पॉजिटिव दिखाया जाता है, लेकिन डायरेक्टर वॉन ट्रियर ने इसी पॉइंट को गलत साबित किया है इस फिल्म में। एंटी क्राइस्ट ये फिल्म विरोधाभास और विरोधी शक्तियों से भरी पड़ी है। जैसे कि हम एक फोटो में देखते हैं जहाँ पे बच्चे ने राइट और लेफ्ट के जूते गलत पहने थे, यानी ये फिल्म सही और गलत का फैसला बताती है। मूवी 3 चैप्टर में डिवाइडेड है, ग्रीफ, पेन और डिस्पेयर, यानी दुख, दर्द और निराशा। और मूवी की कहानी के अनुसार इन 3 चीजों को 3 beggars कहा गया है। निक यानी उस छोटे बच्चे के रूम में या फिर जो फिक्शनल नक्षत्र हमने देखा था उनमें ये 3 beggars की फिगर देखी जा सकती है। यहाँ पे भी दोस्तों सेम कंसेप्ट यूज किया गया है। क्रिस्टियनिटी में 3 wise men की कहानी है जो क्राइस्ट के बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे, वैसे ही उस चीज के विपरीत यहाँ पे इविल नेचर के 3 beggars है जो उनके बच्चों से गिफ्ट लेते हैं। मूवी में दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेंडर, जो कि हम मूवी के टाइटल में भी देख सकते हैं, वीनस सिंबल। यहाँ पे औरत जब लास्ट समर में निक यानी अपने छोटे बच्चे को लेके इसी जंगल में आई थी कुछ दिन रहने के लिए, तब वो एक टॉपिक पे स्टडी कर रही थी, गायनोसाइड। इस टॉपिक में यही था कि कैसे पहले के जमाने में औरतों को विचेस कहा जाता था और दुनिया के सारे बुरे कामों के लिए उन्हें ही दोषी ठहरा के गलत तरीके से मार दिया जाता था। उसी की थीसिस ये लिख रही थी और उन्हीं के थीसिस से उसने ये सारी बातें सीखी थी। दोस्तों जो हिब्रू बाइबल है उसमें कई बार औरतों के हत्याओं का जिक्र किया गया है, और इन सारे बुरे कामों के लिए हिब्रू बाइबल जस्टिफिकेशन भी देता है। मानो पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि औरतें इविल है। अगर एक धार्मिक ग्रंथ ये कहता है कि औरतें इविल है, तो यहाँ पे तो इंसान भी औरतों को इविल मानते थे। और यही सारे जो थीसिस वो पढ़ रही थी वहाँ उस जंगल में अकेले अपने बच्चे के साथ, उन्हीं का कहीं ना कहीं असर उसके माइंड पे पड़ता है इस बार। और इसी पहलू को मूवी में दिखाई गई जो औरत है वो अनदेखा नहीं करती, और इसी के कारण वो ईडन गार्डन में एक इविल बन जाती है, यानी एक विच की तरह। और वैसे ही वो अपने पति के ऊपर भी अत्याचार करती है। यहाँ पे औरत का डिप्रेशन का कारण एक गिल्ट था। रियल डॉक्टर के अनुसार गिल्ट विचित्र तरीके से उसके ऊपर असर कर रहा है, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी उसका पति वो उसे सही से ट्रीटमेंट नहीं देता और खुद के जिद पे अड़ जाता है कि मैं ही इसे ट्रीट करूंगा, मुझे पता है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत। और वो अपनी एक अनिश्चित थ्योरी लेके आता है कि अगर ये अपने डर का सामना करेगी तो शायद सही होगी, और उसके अनुसार उसका इलाज करता है। और वैसे ही वो धीरे धीरे और भी बीमार पड़ने लगती है ईडन गार्डन में, और धीरे धीरे डार्क साइड पे चली जाती है। ये फिल्म हमें सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसे सिचुएशन में दोस्तों सही कौन है और गलत कौन है। एक आदमी जो एरोगेंटली अपने पत्नी को जबरदस्ती जंगल लेके जाता है और एक विच की तरह आखिरी में उसकी बॉडी जलाता है, और बॉडी जलाने के बाद दोस्तों हम बिना चेहरे के औरतें उसकी तरफ आते हुए देखते हैं। ये सारी औरतें वही है जो कई सारे सदियों से लोगों ने विच के नाम पे उन्हें बेवजह मार डाला है। दोस्तों आगे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्रिश्चियन सिद्धांतों के अनुसार फिजिकल रिलेशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन डाले गए हैं, इसे एक शर्म की बात भी कही जा सकती है। और वैसे ही एक लव मेकिंग सीन के दौरान उनके बच्चे की मौत हो जाती है, और इसी के कारण
कारण औरत खुद के और अपने पति के प्राइवेट पार्ट्स को चोट पहुंचाती है, जो कि इस पाप की एक दंडात्मक सजा है। मूवी का थीम दरअसल कल्चर वर्सेस नेचर का है, जहां पे एक औरत रिप्रोडक्शन की पॉइंट है, इसीलिए वो नेचर है और पुरुष एक कल्चर है। और इसी के कारण हम उन डेड औरतों के शव देखते हैं जब यही औरत और आदमी वुड्स में फिजिकल रिलेशन कर रहे थे। मूवी में अव्यवस्था यानी केओस और नेचर को यानी औरत को इविल कहा गया है, क्योंकि अगेन क्रिश्चियनिटी का काफी पहले का जो दौर था दोस्तों, उसमें औरतों को ओपिनियन रखने का कोई अधिकार नहीं था। जो भी औरतें स्मार्ट होती या फिर वो अपने विचार रखती, उन्हें फिर काफी गलत तरीके से मार दिया जाता था, ये कह के कि ये विच है। दोस्तों एक सीन है मूवी में जहाँ पे एक एनिमल एक्सप्लेन करता है केओस रेन्स, और इसी शॉट से मूवी की पूरी थ्योरी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी धर्म में इंसानों को जानवरों से ज्यादा प्रायोरिटी और राज्यत्व दिया गया है, लेकिन मूवी का यही जानवर उससे विपरीत हमें बताता है कि इंसान पावरफुल एंटिटी नहीं है इस नेचर की। दोस्तों यही सारे थ्योरीज को देखते हुए हमें पता चलता है कि जो डायरेक्टर वॉन ट्रियर है वो शायद क्रिश्चियनिटी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं होते, या फिर आजकल के लोग इस आइडियोलॉजी को सही से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इंसान मानते हैं कि ये पूरी दुनिया गॉड जैसे किसी ने बनाई है, लेकिन इसी दुनिया के लोग और समाज नेचर और औरतों को इविल कहते हैं, जबकि नेचर और औरतें ये दोनों भी इसी समाज का पार्ट है। वैसे ही दोस्तों दूसरा पॉइंट यही है कि बच्चों को दुनिया में लाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इन आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग लव मेकिंग ये बात गलत है। तो दोस्तों ये था इन शॉर्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे हमें डायरेक्टर यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये नेचर एक इविल प्लेस भी हो सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।